अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो आज हमारी जो स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन और स्कीम ऑफ वीडियो होगी वो होगी व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और इनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो पहले अगर आप लोग व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट पे आएं, तो ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। अब याद रखें, ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। पहली चीज़ जो अपने जहन में रखनी है, दूसरी चीज़ इसको पार्ट ऑफ प्रेडिकेट भी बोलते हैं, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट भी बोलते हैं, और इसको इसको बोलते हैं कि ये जो है किसके साथ ये काम हुआ है, ये ऑब्जेक्ट हमें बताता है। ऑब्जेक्ट का सिंपल मतलब ये है कि किस पे काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एक जुमला अगर मैं बताऊं इसमें कि अलीज़े प्लेस गिटार। अब इसमें अलीज़े क्या है, अलीज़े सब्जेक्ट है, प्लेस वर्ब है, और गिटार क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये कार्ड खेलने का, ये खेलने का काम किस पे किया जा रहा है, अलीज़े किस पे काम कर रही है, तो इसमें आपको पता चल जाता है कि ये जो हो रहा है ये गिटार के ऊपर हो रहा है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक चीज़ याद रखें इसको समझने के लिए, कि ये व्हाट और हु से आंसर होता है। अगर कोई सेंटेंस व्हाट और हु से आंसर हो जाए तो समझ लीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। मैं कंपैरिजन चार्ट बना लेता हूँ। और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये टू होम आर फार होम से आंसर करता है, टू होम आर फार होम से आंसर करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही गेव अली अ नोवेल, ही गेव अली अ नोवेल। तो ये क्या है, ये एक सेंटेंस है, इसमें ये आंसर किस तरह से करता है, ये आंसर करता है व्हाट, व्हाट डिड ही गेव टू अली, अली को क्या दिया उसने, क्या जवाब आता है, नोवेल, नोवेल ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट के साथ आंसर हुआ इसका, तो व्हाट के साथ आंसर हम कहते हैं कि ये जो है वो क्या है, नोवेल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नोवेल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस अगर मैं लिखूं, नगीन कॉल्ड शहजाद, नगीन कॉल्ड शहजाद। अब
इसका अगर हम सवाल करें तो हु डिड नगीन कॉल, नगीन ने किसको कॉल की, तो ऑब्जेक्ट कौन है, शहजाद है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है के हु के साथ आंसर हो रहा है। कोई भी चीज़ व्हाट और हु के साथ आंसर होगी तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। अभी आ जाए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे, सेक्रेटरी पोस्टेड उमर टू इस्लामाबाद, पोस्टेड उमर टू इस्लामाबाद, ठीक है। इसका जो जवाब आता है हम पूछेंगे टू होम सेक्रेटरी पोस्टेड टू इस्लामाबाद, तो होम के साथ आंसर आ रहा है, तो किसको इस्लामाबाद किया पोस्ट किया है, उमर को किया है। ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमेशा याद रखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में दो ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका। तो याद रखें टू होम के साथ जिसका आंसर आता है तो उसके साथ हम उसको हम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरे सेंटेंस की हम बात करें, शी मेड अ कैलीग्राफी फॉर मी, शी मेड अ कैलीग्राफी फॉर मी। अब इसमें देखें फॉर होम शी मेड इट और मेड अ कैलीग्राफी फॉर होम, किसके लिए बनाई है, मेरे लिए बनाई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो याद रखें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट और हु को, हु का जब आंसर आ जाता है किसी सेंटेंस में वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और अगर टू होम और फॉर होम अगर से अगर कोई जवाब आ जाता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसका एक कनेक्टिंग टॉपिक है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।